अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सिमी शाह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमए पॉलिटिकल साइंस विद सिमी शाह। ये वीडियो मैं जे एस मिल के इंट्रोडक्शन के हवाले से बनाने लग रही हूं और ये इसका शॉर्ट रिव्यू पेश करने लगी हूं और ये मैं अपने नोट्स के हवाले से ही बताऊंगी ताकि आपको भी पता हो कि मेरे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। जे एस मिल 20 मई 1806 को लंदन में पैदा हुआ। उसका बाप अपने वक्त का मशहूर सियासी मुफक्किर जेम्स मिल था। छोटी उम्र से यूनानी जुबान क्लास की अदब और तारीख पर अबूर था। जेरेमी बेंथम ने भी उसकी तरबियत की। उसने असूल तालीम का सिलसिला भी जारी रखा और इस दौरान बेंथम के नज़रियात रूसी कवानीन नफसियाती अलूम और इक्तिसादियात पर मुकम्मल अबूर हासिल किया। 1822 में ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजमत की। यह ईस्ट इंडिया कंपनी वही कंपनी है जो कि हमारी मुताला पाकिस्तान में हमने पढ़ा था, ठीक है। और 1856 में इस्तीफ़ा देकर अपने आप को मुताले के लिए बुक कर दिया। 1866 में दारुल उलूम हाउस ऑफ कॉमन्स का रुकन मुंतखब हुआ, ये बरतानिया का है, ठीक है। 1873 में वफात पाई। इसकी तसानीफ़ देख लेते हैं। तसानीफ़ है जे एस मिल की अहम तसानीफ़ अफादियत पसंदी, आज़ादी, सियासी माशियत के असूल, नुमाइंदा हुकूमत, सवान हयात, औरतों की महकूमियत और निज़ाम मंतिक। मैंने सेम इसी तरह लिख कर आई थी, ठीक है, जे एस मिल का, और मैं इसी तरह गोल सर्कल बनाकर ही लिखती हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है, ये मैंने आपके सामने इसका तारुफ बयान कर दिया, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।